लास्ट हमने पढ़ा था फायरबेस ऑथेंटिकेशन तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें ईमेल पासवर्ड वाला ऑथेंटिकेशन और सोशल लॉगिन, जिसमें जिसमें फेसबुक सोशल लॉगिन हमने पढ़ लिया था। ये दो लॉगिन के तरीके, और मेरे ख्याल अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी था। अब हम मूव कर जाते हैं, थोड़ा हम सर्वर वगैरह पढ़ते हैं। एक फोल्डर बना दिया मैंने जिसका नाम रखा है रिएक्ट विद सर्वर, ठीक है। तो इसमें हम जो सर्वर बनाएंगे वो एक्सप्रेस JS यूज़ करते हुए हम सर्वर बनाना सीखेंगे इसमें। तो इसमें एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं कहता हूँ 1.hello world server, सही। टू भी बना देता हूँ टू, ताकि वो असल में फोल्डर को ना सीधा करके दिखाएं। रिडक्स नहीं हम पढ़ेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट API पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट API असल में एक ही चीज़ है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट API में इस वजह से पढ़ रहे हैं, एक तो वो बिल्ट इन है, रिएक्ट का अपना है वो, रिडक्स एक अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है। नंबर दो, जो कॉन्टेक्स्ट API है वो समझने में भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आसान है वो रिएक्ट से, और लिखा वो उसी बंदे ने है जिसने रिडक्स लिखा था, जो जिस बंदे ने रिडक्स लिखा था उसी को ही हायर करके फेसबुक वालों ने उन्हीं से ही लिखवाया है। तो इन फ्यूचर जो है वो कॉन्टेक्स्ट API चलेगा। जाहिर है अभी जो ऑन गोइंग प्रोडक्ट हैं, जो पहले स्टार्ट हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें तो मतलब जो रिडक्स में डस्ट लगा दिया वो चल रहा है, लेकिन अब जो नए प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे उसमें मुझे लगता है कि कॉन्टेक्स्ट API का ज़्यादा रोल रहेगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है 1 hello world server। अब ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड सर्वर है ना, हम शुरू में जब जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे तो हम फोल्डर का नाम क्या रखते थे, index.html, फाइल का नाम बनाते थे index.html। एक HTML की फाइल से तमाम तर कहानी शुरू होती थी हमारी, ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि सर्वर वाली जावास्क्रिप्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्ट JS की फाइल होती है, इसमें कोई HTML इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा, तो मैं कैसे बनाऊँगा, मैं सबसे पहले ये काम करूँगा आके कि टर्मिनल ओपन करूँगा, ये पहले से जो खुला हुआ है इसको मैं बंद कर देता हूँ दोनों को, ठीक है। टर्मिनल खोल के मैं इस फोल्डर में पहले तो आ जाता हूँ, मैंने कहा CD5, ठीक है, इसमें इस फाइव वाले में आ गया, और उसके बाद मैंने कहा CD1 हेलो वर्ल्ड सर्वर। इस हेलो वर्ल्ड सर्वर में आके ना, अभी इस हेलो वर्ल्ड सर्वर में कुछ भी नहीं है, खाली फोल्डर है ये, सही है। मैं आके यहाँ पर करूँगा npm init, सही है। npm init क्या चीज़ है, देखो जो सर्वर साइड वाली जावास्क्रिप्ट है ना वो हमने पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, वो इससे पहले हमने क्या किया था, हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसके बाद हम डायरेक्ट रिएक्ट पे मूव कर गए थे। तो आपको सर्वर साइड की जावास्क्रिप्ट का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मैं इस चीज़ को समझते हुए एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। अच्छा, तो npm जो है वो क्या है, नॉर्ड पैकेज मैनेजर। अब नॉर्ड क्या है, नॉर्ड को समझ लेते हैं पहले। अगर नॉर्ड JS क्या है, एक इंजन है जिस पर जावास्क्रिप्ट रन होती है, सही है। तो इसका मतलब है कि क्या ब्राउज़र में भी फिर कोई इंजन होगा जिसमें जावास्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। तो गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है उसके अंदर जो इंजन है जिस पर जावास्क्रिप्ट रन होती है वो V8 इंजन लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हर ब्राउज़र का एक अपना इंजन होता है, जो मोज़िला फायरफॉक्स है उसमें कौन सा इंजन लगा हुआ है, उसका नाम है स्पाइडर मंकी, सही है, वो इंजन लगा हुआ है। इसी तरह जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में जो इंजन लगा हुआ है वो कौन सा है, कुछ अर्से पहले तक उनका एक अपना इंजन था चाकरा के नाम से, सही है, वो चलता था उसमें, लेकिन अब उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, ख़त्म कर दिया, और V8 गूगल वालों का जो V8 है ना वो अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। यही वजह है कि अब आप जब माइक्रोसॉफ्ट एज खोलते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो डेवलपर ऑप्शंस वगैरह हैं वो आपको गूगल क्रोम की तरह लगते हैं देखने में, क्योंकि अंदर से वो गूगल क्रोम ही है, ठीक है। तो गूगल क्रोम वालों ने वो अपना V8 ना ओपन किया था कि कोई भी आके ब्राउज़र बना ले, जितने टुच्चे मुच्चे ब्राउज़र हैं ना वो सब इंटरनली क्या होते हैं, वो V8 ही होता है गूगल का। उन्होंने बकायदा उसका एक नाम रखा था क्रोमियम के नाम से, तो क्रोमियम प्रोजेक्ट जो वो फ्री है, ओपन सोर्स है वो। तो ये ब्रेव ब्राउज़र और ये ओपेरा मिनी और ये सारे जितने भी हैं ना, ये अंदर से क्रोमियम है। आप भी अगर अपना ब्राउज़र आपको बनाना, वो क्रोमियम का आप उठाएंगे, उसमें अपना थीम लगाएंगे, आपका ब्राउज़र तैयार हो गया।
तो ब्राउज़र बनाना भी बड़ा आसान हो गया इसके बाद। तो हमने क्या देखा, अच्छा सफारी में कौन सा लगा हुआ इंजन, सफारी भी तो एक ब्राउज़र है ना। मेजर ब्राउज़र में चार नाम आते हैं, चौथा सफारी है। बताओ, पता है किसी को? अच्छा सफारी जो है ना वो विंडोज़ पे तो डिसकंटिन्यू कर दिया इन्होंने, विंडोज़ पे सफारी अब पहले आता था, अब बंद हो गया, काफ़ी साल हो गए। तो अब सिर्फ मैक पे चलता है सफारी। तो लेकिन स्टिल सफारी की बड़ी अहमियत है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के तौर पे ही आता है एप्पल की तमाम डिवाइसेस में, तो इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है इस वजह से ना। तो सफारी पे भी टेस्टिंग करते हैं जो भी ऐसे एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, तो हमें जहन में रखना होता है सफारी भी कुछ चीज़ है, ठीक है। और सफारी की जो स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ सालों में ना। ज़ाहिर है गूगल क्रोम का मुकाबला तो अभी तक नहीं कर पाएगा वो, यूज़र एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बनाई हुई हैं, ठीक है। वो एप्पल के यूज़र के हिसाब से यूज़र एक्सपीरियंस है, तो वो लेकिन स्टिल उनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है अभी भी ना इसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये चार नाम है सफारी के अंदर, जो वेब किट के नाम का एक इंजन लगा हुआ है जो गूगल क्रोम से बहुत तेज़ है, सही है, गूगल क्रोम से बहुत तेज़ है वो, लेकिन कुछ चीज़ों में तेज़ है और कुछ चीज़ों में वो बहुत मसला भी करता है, ठीक है। तो जो बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो गूगल क्रोम यूज़ करते थे, वो सफारी की तरफ जिस स्पीड से जाते हैं उसी स्पीड से वापस गूगल क्रोम की तरफ वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वो आम फैम लोगों के लिए डिज़ाइन हुआ है, आप अगर वो बहुत एक्सटेंसिव टास्क करते हैं वो ब्रेक होता है, बहुत सारी जगहों पर ब्रेक होता है वो। तो हमने ये देखा कि भाई चार इंजन है, जब भी आप जावास्क्रिप्ट रन करते हैं ब्राउज़र पे तो उन इंजन पे ये रन होता है। अच्छा वो इंजन क्या करते हैं, वो असल में जावास्क्रिप्ट को लेते हैं, जावास्क्रिप्ट को मशीन के कोड में कन्वर्ट करते हैं और प्रोसेसर तक वो जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो काम एक्चुअल में फिर हैपन होता है, ठीक है। सर अंजाम दिया जाता है वो काम जो भी आपने इंस्ट्रक्शन जावास्क्रिप्ट में लिखी हुई है। अच्छा कुछ 2009 में लड़के थे कुछ, उन्होंने बोला यार ये जावास्क्रिप्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस वक्त तक बोला जा चुका था इसको, उन्होंने बोला कि यार जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये चलती है सिर्फ ब्राउज़र में, ये क्या बकवास है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो टर्मिनल पे चलनी चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज को चलने के लिए ब्राउज़र थोड़ी चाहिए होता है, वो टर्मिनल पे चल जाती है या जो शेल होता है पावर शेल कह लो, CMD कह लो, जो भी कह लो, उस पर चल जाती है वो। इसी तरीके से सी शार्प है और बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं, वो डायरेक्ट चलती हैं भाई। तो इस तरह तो नहीं होता कि भाई पहले गूगल क्रोम का ब्राउज़र चाहिए होगा, उसके ऊपर वो स्क्रिप्ट चलेगी, उसके अलावा चलेगी नहीं स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा इसको हम टर्मिनल पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट बनाते हैं। तो उन्होंने उस इंजन को लिया, गूगल क्रोम उस वक्त तक V8 इंजन बना चुका था, ठीक है, और V8 इंजन का प्रोजेक्ट जो था वो भी ओपन सोर्स था। तो उन्होंने वही वाला V8 लेके उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की, और जाहिर है जो चीज़ ब्राउज़र में चलती है ना उसमें बहुत सारे फीचर ब्राउज़र के हिसाब से बने हुए थे। मिसाल के तौर पे फाइल ऑपरेशन का उसमें कोई तरीका ही नहीं था जावास्क्रिप्ट में उस ज़माने में, क्योंकि सी लैंग्वेज में तो ये होता है ना, जैसे अब जैसे मैं ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, अब ये टेक्स्ट एडिटर सी लैंग्वेज में इस तरह का टेक्स्ट एडिटर बना सकता हूँ मैं, तो इस तरह के टेक्स्ट एडिटर के लिए ज़रूरी है कि हार्ड ड्राइव में जो फाइलें सेव हुई हुई हैं उसको मैं बाइट बाई बाइट रीड कर सकूँ और बाइट बाई बाइट राइट भी कर सकूँ, तो वो उसमें ऑप्शन नहीं था। तो इस तरह के जो मिसिंग ऑप्शन थे वो सारे उन्होंने ऐड किए। ज़ाहिर है सर्वर अब बनेगा उसमें, तो पोर्ट मैनेजमेंट कि भाई जैसे हम एयरपोर्ट होता है ना, किसी भी शहर से बाहर निकलने का रास्ता होता है एयरपोर्ट या सी पोर्ट भी होता है, इसी तरह आपके कंप्यूटर में भी कंप्यूटर से बाहर जाने के और अंदर जाने के रास्ते होते हैं जिसको हम पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं पोर्ट्स? USB पोर्ट सबसे पहला, ठीक है, फिजिकली जो आप देख सकते हैं जिसको, Type-C पोर्ट है, VGA केबल है, HDMI पोर्ट है, ये सारी पोर्ट्स हैं। HDMI पोर्ट से क्या होता है, कंप्यूटर से डिस्प्ले का डेटा निकल के मॉनिटर तक पहुंचता है। मॉनिटर में आपने अगर लगाया हुआ है तो यहाँ का डिस्प्ले मॉनिटर में दिख रहा है ना, तो बाहर निकल रहा है आपके कंप्यूटर से। इसी तरह USB अगर आपने लगाई हुई है USB पोर्ट में, तो USB में डेटा मौजूद था, वो USB से निकल के आपके कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, तो वायरस भी आ जाता है समटाइम, ठीक है, USB जब लगाते हैं तो बाहर का डेटा अंदर आ रहा है और अंदर का डेटा बाहर भी जा सकता है। तो पोर्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आने और जाने का रास्ता होता है,
ठीक है। इसी तरीके से इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए वर्चुअल पोर्ट्स होती हैं जो आपको नज़र नहीं आती लेकिन वो एक्चुअल में होती है, ठीक है। वो मतलब प्रोग्रामिंग, जैसे वाईफाई से कनेक्ट हैं आप, तो वाईफाई से इंटरनेट से डेटा उठ के आ रहा है ना आपके कंप्यूटर के अंदर, और आपका कंप्यूटर से भी पिक्चर अपलोड करते हैं तो हो जाती है, तो बाहर भी जा रहा है डेटा, तो ये एक वाईफाई पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं जो इंटरनेट कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रही होती है। फिर इसमें भी इंटरनेट में भी अलग अलग पोर्ट से अलग अलग किस्म का डेटा जा रहा होता है, तो वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट में नहीं था बना हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके ना उन्होंने बोला इसका नाम है Node.js, प्यार से उन्होंने इसका नाम रख दिया Node.js। अब Node.js एक ऐसी यूटिलिटी है कि आप अपने कंप्यूटर में Node.js अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो अब जावास्क्रिप्ट की ऐप डायरेक्ट चल सकती है आपके पास बगैर ब्राउज़र के, सही है। जो इंजन ब्राउज़र में था हुआ करता था वो इंजन आपने डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया। जैसे सी लैंग्वेज भी अगर चलानी हो आपको तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बगैर नहीं चलता वो, तो वही हैसियत Node.js की भी है। तो अब Node.js आप इंस्टॉल करेंगे ना जब, तो जब ही आप ये काम कर सकते हैं, बल्कि npm init को ना मैं रोक देता हूँ 2 मिनट के लिए, सही है। npm init को मैं रोक रहा हूँ, मैं एक फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ 0.helloworld। अच्छा, इस तरह की जो जावास्क्रिप्ट, जाहिर है जावास्क्रिप्ट में भी अमेंडमेंट हो गई ना, कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी जावास्क्रिप्ट में वो ऐड हो गई, तो ये जावास्क्रिप्ट का भी एक अलग वर्जन है जो सर्वर साइड पे रन होता है, वो जावास्क्रिप्ट का एक अलग वर्जन है। अलग वर्जन का मतलब ये जो फंडामेंटल्स हम पढ़ चुके हैं वो सेम है उसमें, लेकिन कुछ इजाफी चीज़ें जो ब्राउज़र में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो जो ब्राउज़र में नहीं हो सकता उसके अलावा कुछ इजाफी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो पहले तो उस जावास्क्रिप्ट का भी तो हेलो वर्ल्ड करना पड़ेगा ना पहले, सर्वर बनाने से पहले। तो मैं बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड Module.js, ठीक है। अच्छा, उस ज़माने में जब वो रखा गया था ना नाम इसका, तो वो रखा था Common.js, Common.js नाम रखा था इसका। अब वो नया वाला जो उसका वर्जन है वो Module.js है, ठीक है। तो अब ये भी समझने की बात है कि मेन जो शुरू की जो जावास्क्रिप्ट है जिसको हम ES5 कहते हैं, ठीक है, तो जो ब्राउज़र में चलने वाली ES5 है उसका नाम क्या है? AMD, ठीक है। जो ब्राउज़र में जो चलने वाली है उसका नाम AMD है, AMD वाली ES5 है। फिर AMD में ES6 भी आ गई है जो ब्राउज़र में चलने वाली जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, जो सर्वर पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट है वो उसमें जो ES5 था वो उसको बोलते हैं Common.js या ES मॉड्यूल, इस तरह पता नहीं क्या नाम है। अभी वाला जो Module.js है ES6 जो है, ठीक है, तो ब्राउज़र में जो चलने वाली ES5 ES6, सर्वर पे चलने वाली वो Common.js Module.js। तो हम पढ़ेंगे नया वाला Module.js, मतलब सर्वर पे चलने वाली ES6, ठीक है। तो देखते हैं अब यहाँ इस फोल्डर में आके ना हेलो वर्ल्ड Module.js, इसमें आके मैंने क्या बनाया, मैंने एक फ़ाइल बनाई। इस फाइल का नाम मैंने रखा app.js, app.js नहीं रखूँगा अब मैं इसका नाम रखूँगा मैं MJS। बाय द वे JS भी रखता तो सही चलता, लेकिन जब अगर मैं उसका नाम JS रखता ना तो वो Common.js कंसिडर किया जाता, ठीक है, वो नया वाला Module.js कंसिडर नहीं किया जाता। ये मैं बिल्कुल नई वाली जावास्क्रिप्ट लिखी है मैंने, तो मैंने इसका नाम क्या रखा, app.mjs। अच्छा, MJS के अंदर आके मैंने लिखा console.log और हेलो वर्ल्ड ES मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये फाइल मेरी बन के तैयार हो गई। अब ये फाइल मेरी रन कैसे होगी, रन करने के लिए मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। मैंने कहा cd स्टेप बैक cd 0 हेलो वर्ल्ड Module.js। अब मैं इस जीरो वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। इस जीरो वाले फोल्डर में क्या मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एक फाइल मौजूद है इस वक्त राइट नाउ। इस फाइल को रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे Node.js लाजमी चाहिए, उसके बगैर ये फाइल रन नहीं हो सकती, ठीक है। फाइल बनाने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो टेक्स्ट एडिटर से बना दिया मैंने, लेकिन इसको रन करने के लिए मुझे Node.js चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपके पास Node.js इंस्टॉल नहीं है, जो मैं कमांड अब लिखने लगा हूँ वो आपके पास एरर देगा अगर Node.js इंस्टॉल नहीं है। वो कमांड क्या है, Node space
और फाइल का नाम यानी कि ऐप डॉट एम जे एस, ठीक है। अच्छा मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं ए और पी लिखा मैंने और टैब का बटन दबा दिया, जो आपके कीबोर्ड में टैब का बटन है कैप्स लॉक के ऊपर, ये उस टैब के बटन के बाद, तो उससे क्या होता है ऑटो कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। और मैंने एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखें नॉट स्पेस फाइल का नाम, तो नीचे ये फाइल क्या हो गई, रन हो गई, और उसका जो कॉन्सोल था वो इधर ही आ गया टर्मिनल के ऊपर। मैंने पहले कॉन्सोल कहाँ आता था, ब्राउज़र में, ये डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट जो है आपके कंप्यूटर में रन हो रही है बगैर ब्राउज़र के, सही है। अच्छा ये बगैर नॉट जे एस के नहीं होगा, तो नॉट जे एस कैसे इंस्टॉल होगा, आ जाते हैं ज़रा देखते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा नॉट जे एस एंटर, ये पहली वेबसाइट आ गई, इसको खोलूँगा। यहाँ पे जो एल टी एस वर्जन है, अच्छा एल टी एस अब 18 हो गया, पहले 16 था, इसको मैंने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया। मैं मैक पर हूँ तो मेरे पास ये डॉट पी के जी करके फाइल डाउनलोड हुई है, जो लोग विंडोज़ पर हैं उनके पास डॉट ई एक्स ई डाउनलोड होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसको अपने एम एस आई भी सही है, एम एस आई भी ठीक है। यार पानी लाए, पानी है बस, पानी किसी हाँ लेकर आ गया इस तरफ वाली, नहीं ये पूरी रो या तो जलेगी या तो पूरी रो बंद होगी, इसका सिस्टम इस तरह का, ठीक है। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लिक करके इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। ये वैसे रिएक्ट के टाइम पे भी हमने किया था शायद इंस्टॉल, लेकिन चलो ठीक है दोबारा देख लेते हैं। असल में इसका एल टी एस भी पहले 16 था ना, अभी चेंज हो गया, तो मैंने अपने पीसी में भी इंस्टॉल करना है, सही है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलर वुड लाइक टू एक्सेस फाइल्स एंड डाउनलोड, ओके। तो ये नॉट जेएस कुछ इस तरह से इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया, सही है, गुड यार, वेल डन। अच्छा देखो ये मुझे समरी में बता रहा है क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, नॉट जेएस का वर्जन 18 इंस्टॉल हुआ है, और npm का वर्जन 8 इंस्टॉल हुआ है, और कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुआ है वो भी इसने बता दिया। तो हमने ये देखा कि Node.js जब इंस्टॉल करते हैं हम, तो क्या होता है हमारे पास, सिर्फ Node.js इंस्टॉल नहीं होता, उसके साथ साथ npm भी एक चीज़ है, वो भी इंस्टॉल हो जाती है, वो भी हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले ये समझ आया Node.js कैसे इंस्टॉल होगा। अच्छा अब ये जो Node.js मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, वो कहाँ गया है मेरा VS Code, हाँ थैंक यू, अब यहाँ पे मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा ना, कोई इफ लिखा है मैंने कुछ, ठीक है, मैंने कोई लेट बना दिया वेरिएबल लेट इक्वल टू 5, कुछ इस तरह से कोई भी मैंने बात लिखी है, यहाँ पे कंडीशन लगाई मैंने कहा ए इक्वल्स इक्वल्स अगर है 5 के, ठीक है, तो कुछ कंसोल दूसरा दिखा दो, सही है। कोई भी मैं बात लिखूंगा ये डायरेक्ट रन होगा। अब देखो नीचे आके मैं नाम लिखूंगा, ये डायरेक्ट रन होगा, और जो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होना था रिजल्ट, वो दोनों का दोनों यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है चीज़, कि अब जो जावास्क्रिप्ट हम HTML की फाइल के साथ करके लिखते थे, अब डायरेक्ट लिखा करेंगे, और डायरेक्ट लिखना पॉसिबल हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये जीरो वाला तो हेलो वर्ल्ड हमारा क्या हो गया, मॉड्यूल JS, ठीक है, हेलो वर्ल्ड मॉड्यूल JS हमने ये समझ लिया। अब हेलो वर्ल्ड सर्वर को आप समझते हैं कि अब हेलो वर्ल्ड सर्वर कैसे बनेगा। अच्छा हेलो वर्ल्ड सर्वर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उस फोल्डर में चला जाता हूँ, मैंने कहा cd:\return CD1, और मैं हेलो वर्ल्ड वाले सर्वर में चला गया, ठीक है, मैं इस वक्त इस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। अच्छा अब देखो क्या चक्कर है, यहाँ पे आके मैं चलाऊँगा npm init, सही है, ये मैं वहीं पे आ गया थोड़ी देर पहले, तो मतलब बीच में वो एक ज़ीरो हेलो वर्ल्ड करवाना मैंने ज़रूरी समझा। तो ये npm जो है ना स्टैंड्स फॉर नॉर्ड पैकेज मैनेजर, नॉर्ड तो समझ आ गया कि नॉर्ड एक इंजन है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, पैकेज क्या चीज़ है और मैनेजर क्या चीज़ है। नॉट जेएस की बनी हुई जितनी भी एप्स होती हैं उनको हम पैकेज कहते हैं,
ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो जीरो करके मैंने लिखा है ना अभी, जीरो हेलो वर्ल्ड मॉड्यूल जेएस, तो ये एक मैंने पैकेज लिखा है इसमें जावास्क्रिप्ट में, ये मैंने क्या लिखा है, पैकेज लिखा है। तो नॉट जेएस पे बनने वाली जितनी भी एप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और जाहिर है वो कोई लाइब्रेरी भी हो सकती है, कोई वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई सीएलआई टूल भी हो सकता है। आपने एक सीएलआई टूल यूज़ किया है फायरबेस टूल्स करके, राइट? तो वो सीएलआई टूल नॉट जेएस में ही बना हुआ था असल में। जो नॉट जेएस अभी हमने शुरू किया ना, इसी में ही बना हुआ था। तो वो पैकेज कुछ भी हो सकता है, हमारे केस में एक सर्वर होगा क्योंकि हम सर्वर बनाना सीख रहे हैं, तो वो जो भी कुछ लिखा हुआ होगा ना उसको हम कहते हैं पैकेज। और उस पैकेज का एक मैनेजर है, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, आपको कोई भी मोबाइल की ऐप डाउनलोड करनी होती है, आप प्ले स्टोर जाते हैं, उसका नाम लिखते हैं, वो ऐप आ जाती है, आप क्लिक करते हैं, इंस्टॉल हो जाता है। इसी तरीके से आपको अगर नॉट जे एस की कोई लाइब्रेरी या नॉट जे एस पे बना हुआ कोई सॉफ्टवेयर अगर चाहिए होता है, तो उसके लिए इन लोगों ने एक प्ले स्टोर टाइप की चीज़ बनाई हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, NPM, नॉट पैकेज मैनेजर, या नॉट पैकेज स्टोर बोल लो उसको। इस तरह की एक चीज़ इन्होंने खुद बनाई हुई है कि भाई लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, सब एक जगह पर है खुद से। तो देखते हैं चल के कि वो NPM का जो स्टोर है, NPM, वो दिखने में कैसा है। ये है वो स्टोर, सिर्फ नॉट की एप्लीकेशन। अब ऐसा हार्ड एंड फास्ट मुझे रूल नहीं पता कि इसमें कोई और लैंग्वेज अलाउ नहीं है क्या, मतलब, लेकिन वैसे ही बनाया है इन्होंने, इसीलिए नॉट पैकेज मैनेजर इसका नाम रखा है। तो आपके लिए इतला के लिए अर्ज़ ये है कि आप जो नॉट जेएस पे चीज़ लिखेंगे ना, वो यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नॉट जेएस की जितनी भी लाइब्रेरीज अवेलेबल लाइब्रेरीज हैं वो सब यहाँ पर मौजूद होती हैं, ठीक है। अब क्या मतलब, कोई दूसरी लैंग्वेज का अपलोड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है, मगर ये मैटर नहीं करता। हमें मैटर ये करता है कि नॉट जेएस की तमाम लाइब्रेरी वहाँ मिल रही है, तो दैट्स इट। तो नॉट पैकेज मैनेजर समझ आया। अच्छा, अब ये बोलते हैं कि आप कोई भी नई ऐप स्टार्ट करेंगे ना, तो ज़ाहिर है वो पैकेज बना रहे हैं, आप खुद का एक पैकेज बना रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो वो बोलते हैं कि अपने पैकेज के बारे में कुछ डिटेल बता दो हमें शुरू में, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी नॉट जेएस की कोई ऐप बनाते हैं या नॉट जेएस का कोई पैकेज बना रहे होते हैं, तो उसमें NPM init चलाते हैं, ठीक है, कि मैं मैनेजर को इनिशियलाइज कर रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले मुझसे वो पूछ रहा क्या है, पैकेज का नाम, लेकिन मुझे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, वो पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है, जो मेरे फोल्डर का नाम था ना, वही नाम वो पहले से डिटेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको एंटर करूँगा सिर्फ। फिर कह रहा है वर्जन बता दो, वो भी डिफ़ॉल्ट में 1 आ रहा है। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, मैं कुछ नहीं लिखना चाहता फ़िलहाल, एंटर कर दिया मैंने। एंट्री पॉइंट index.js के खुद से पकड़ रहा है, सही है, मैंने इसमें भी एंटर कर दिया, एंटर 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 एंटर, सही है। मैं चाहूँ तो मैं तमाम सवालों का जवाब दूँ, आप मुझे देना चाहिए, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं देना चाह रहा। अगर तो मैं एंटर एंटर करूँगा तो वो गायब हो जाता है। जैसे ही एंटर प्रेस करके मैं फ्री हुआ, तो आप देखिए एक फ़ाइल बन के यहाँ पर आ चुकी है। इस फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम है package.json, और जो सवाल इसने मुझसे पूछे थे वो सारे यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं बताया था, मैं चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ बाद में जाके डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मना भी नहीं करेगा मुझे, ठीक है। उसके अलावा मेन, कि मेरे इस प्रोजेक्ट की जो मेन फाइल है, यानी जिस हमारे HTML के प्रोजेक्ट में क्या होता था, index.html के नाम की जो फाइल होती थी वो मेन फाइल हुआ करती थी बाई डिफ़ॉल्ट। तो इसमें इसने बोला भाई index.js, हालांकि मैंने अभी तक कोई फाइल नहीं बनाई, लेकिन इसने परसीव कर लिया, इसने बोला यार index.js चलो कर देते हैं, कुछ नहीं है फाइल तो वो कर देते हैं, ठीक है। समटाइम कोई फाइल होती है तो उसका नाम ये ऑटोमेटिक भी डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम ये करना है, ज़ाहिर है अभी प्रॉपर पैकेज बनाने जा रहे हैं, तो इसमें मुझे एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम मैं रख देता हूँ server.js, मे बी MJS, ठीक है, server.mjs मैंने रख दिया। और अपने पैकेज में जाके मैं क्या कर दूँगा, ये मेंशन कर दूँगा ये बात कि ये फ़ाइल रन कैसे होती है। क्या मेंशन कर दूँगा मैं,
कि ये फाइल रन कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर एक टेस्ट के नाम की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस टेस्ट के नीचे जगह थोड़ी सी होगी, यहाँ पे मैंने आके लगाना है कॉमा, कॉमा के बाद एंटर, और यहाँ पे डबल स्पेस वो डबल कोटेशन में स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट के अंदर जाके मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा नॉट स्पेस, और मेरी फाइल का नाम है सर्वर डॉट एम जे एस नाम है मेरी फाइल का, राइट। ठीक है, अच्छा ये मैं वैसे भी लिख रहा था तो चल रही थी ना, मतलब यहाँ टर्मिनल पर डायरेक्ट आके लिखूँगा मैं नॉट स्पेस सर्वर डॉट एम जे एस तो भी सेट है, लेकिन मुझे यहाँ पर बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी तो ये कमांड बहुत सिंपल सी है ना, मेरी फाइल को रन करने की कमांड अभी जो है बहुत सिंपल सी है, लेकिन कल को ये फाइल रन करने की कमांड लंबी चौड़ी भी हो सकती है। तो इसीलिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि Node.js का कोई भी पैकेज रन कैसे होगा वो उसके अंदर ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने आके स्टार्ट की स्क्रिप्ट मेंशन कर दी कि भाई इस तरह से ही चलेगा। अब मैं इसको रन कैसे करूँगा, अब मैं इसको ऐसे नहीं रन करूँगा कि नॉड स्पेस फाइल का नाम, अब मैं बोलूँगा npm start। ठीक है, npm start, तो उससे वो क्या करेगा, वो पीछे यही कमांड चलाएगा तेरा। ठीक है, एंटर करूँगा कमांड चल गई, लेकिन उस फाइल में क्योंकि कुछ था नहीं तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं आया स्क्रीन में। अच्छा, तो अब मैं सर्वर डॉट एम जी एस में जाके ना कॉन्सोल लगा देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ भाई ये चल रहा है। आई एम सर्वर फाइल, सही है, जस्ट मैंने इतना लिख दिया था कि भाई अब जब मैं एन पी एम स्टार्ट करूँगा तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कि हाँ यही फाइल रन हो रही है। ठीक है, आई एम सर्वर फाइल लिखा हुआ है। दोबारा से देखते हैं हम क्या हो रहा है, मेरे पास ये एक फोल्डर है जिसमें जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड सर्वर, इसको मैंने ओपन किया, अंदर एक पैकेज डॉट जेसन है, एक सर्वर डॉट एम जे एस है। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर खड़े होके, ठीक है, मैं इस फोल्डर में खड़ा हुआ इस वक्त, ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर खड़ा हुआ, यहाँ पे खड़े होके मैं एन पी एम स्पेस स्टार्ट ये जब प्रेस करता हूँ तो ये सर्वर की फाइल क्या हो जाती है, रन हो जाती है, चल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ समझ आई सब लोगों को, नहीं ये मेन को छोड़ दो, मेन अभी अगर मैं मेन हटाई देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट की स्क्रिप्ट, वैसे मेन का सीन ये होता है कि अगर मेन में मैं सही नाम लगा दूँ ना फाइल का, असूलन मुझे यहाँ पर भी इसको सर्वर डॉट एम जे एस ही करना चाहिए असूलन, तो उससे सम टाइम ये होता है स्टार्ट की स्क्रिप्ट नहीं भी हो ना तो ये एन पी एम स्टार्ट पे इस फाइल को रन कर देता है। ठीक है, सम टाइम ये होता है, लेकिन इसका असल पर्पस ना मेन फाइल का कुछ और होता है, वो अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते। वो असल में ये होता है जब हम लाइब्रेरी लिख रहे होते हैं ना तो कौन सी फाइल पहले इंक्लूड हुई उसकी बात हो रही होती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मेन को हटा देता हूँ यहाँ से ताकि वो वाली कन्फ्यूजन ना रहे। अभी हम इसे स्टार्ट की स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेड है कम्प्लीटली, तो मैं दोबारा आता हूँ एन पी एम स्टार्ट लिखता हूँ, ये मेरी फाइल रन होगी, इस हर दफ़ा एन पी एम स्टार्ट लिखूँगा। हर प्रोजेक्ट में मुझे स्टार्ट की स्क्रिप्ट ज़ाहिर है एक दफ़ा बतानी पड़ेगी, एक दफ़ा बतानी पड़ेगी ऑब्वियसली मुझे। ठीक है, और जब भी मैं फिर रन करूँगा एन पी एम स्टार्ट लिखूँगा वो फाइल रन होगी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आने आ सकती है आपके ख्याल में? इनका सवाल ये था, मैं रिपीट कर दूं कि अगर इस स्टार्ट की स्क्रिप्ट में दो फाइल एक साथ चलानी पड़े तो वो कैसे रन होगी, तो मैंने इसलिए इनसे पूछा था कि ऐसी ज़रूरत कब पड़ेगी। तो वेल मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि जो स्टार्ट की जो स्क्रिप्ट है ना, ये असल में ऐसी कमांड होती है जो टर्मिनल पर चल सके। आपने यहाँ पर वो बात लिखनी होती है कि वो बात अगर टर्मिनल पर लिखी जाए तो कोई वैलिड चीज़ हो, सही है, तो जो चीज़ टर्मिनल में हो सकती है ना वो इस कमांड में हो सकती है। ठीक है, अच्छा टर्मिनल के अंदर अगर दो कमांड एक साथ चलानी हो
तो हम कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ पहले स्क्रीन को क्लियर किया जाए फिर ये फाइल रन की जाए, तो मैं बोलूँगा क्लियर एंड एंड और फिर उसके बाद ये आगे ये कमांड एंड एंड करके आप दो कमांड एक साथ चला सकते हैं। लेकिन एक मसला है इसमें, ये क्लियर विंडोज़ पे और लिनक्स पे सही चलेगा, और सॉरी मैक पे और लिनक्स पे सही चलेगा। विंडोज़ में क्लियर नाम की कोई कमांड नहीं होती टर्मिनल के ऊपर, CLS होता है उसमें, ठीक है। इसी तरह DIR करके एक कमांड होती है विंडोज़ में जो मैक में और लिनक्स में नहीं होती है। तो ये वाला डिफरेंस आ सकता है अगर आप इसमें ऐसी कोई कमांड चलाएंगे, ठीक है। समटाइम लोग ये करते हैं स्टार्ट की स्क्रिप्ट जो है वो दो तीन बना के रख लेते हैं, विंडोज़ के लिए अलग मैक के लिए अलग। बाई द वे ज़्यादातर तो क्योंकि सर्वर का एनवायरनमेंट जो है, जैसे अभी हम इस सर्वर को जहाँ डिप्लॉय करेंगे क्लाउड में, वो लिनक्स होता है, ठीक है। तो हमें वो कमांड ऐसी लिखनी होती है जो लिनक्स पे चल जाए, तो दैट्स इट। हमें विंडोज़ वाला सर्वर का एनवायरनमेंट बहुत ही कम मिलता है, शायद नादिर कहीं मिलता है, ठीक है। या किसी ने अगर विंडोज़ का कोई ख़रीदा वरीदा हुआ है, मतलब चल रहा है, तो वहाँ पर मिलता है, और वो भी तंग ही रहता है जिसने ख़रीदा हुआ होता है, क्योंकि सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर का मतलब है लिनक्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम वो कमांड लिखते हैं जो लिनक्स पे चल जाए, तो दैट्स इट। अच्छा, अब हमें काम अगला क्या करना है, हमें अगला काम ये करना है कि इस सर्वर डॉट एम जे एस की फाइल में, अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसी जावास्क्रिप्ट लिखनी है जिससे क्या हो जाए, एक सर्वर खड़ा हो जाए, एक सर्वर तैयार हो जाए। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर पहले पता होना चाहिए कि सर्वर होता क्या है। कौन बताएगा आप में से कि सर्वर किस चीज़ को कहते हैं? तो लोग गर्मी तो नहीं लग रही ना, अगर लग रही हो तो बता देना, फैन ऑन करो। बताओ भाई सर्वर किस चीज़ को कहते हैं जी, जो डेटाबेस से डेटा ला रहा है, सर्विस प्रोवाइड करता हो। और सर कनेक्शन बिटवीन यूआई एंड डेटाबेस, कनेक्शन बिटवीन यूआई एंड डेटाबेस, नहीं सर्वर है कहाँ, क्या चीज़ है सर्वर? ये तो तुम क्वालिटीज बता रहे हो तुम लोग, सर सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जी। सही सही, ठीक है, सब लोगों ने काफ़ी सही बताया। तो मैं दो लाइन में ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम उसके आगे प्रैक्टिकल काम करेंगे। सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी न किसी मशीन में रन हो रहा होता है। वो मशीन आपके घर में भी हो सकती है, वो मशीन क्लाउड में भी कहीं हो सकती है। क्लाउड में होने का मतलब ये कि कहीं दूर किसी कंप्यूटर में चल रही हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ठीक है, एक्सेसिबल हो इंटरनेट के ज़रिए, तो वो उसको क्लाउड कहते हैं प्यार से, ठीक है। क्लाउड ऐसा नहीं है कोई बादलों में कुछ नहीं हो रहा, होता सब ज़मीन पे ही है, लेकिन कोई ऐसा कंप्यूटर जो कहीं किसी दूसरी जगह रखा हुआ है लेकिन ओवर द इंटरनेट वो एक्सेसिबल है, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड। तो सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो आप किसी मशीन में चल रहा होगा, वो मशीन आपके घर में हो सकती है, क्लाउड में हो सकती है। और सर्वर नामी जो सॉफ्टवेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के, कि जब उसके पास कोई रिक्वेस्ट आए ना तो वो उसको रिस्पॉन्ड करे सामने से। मिसाल के तौर पे आप सबके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, अब मैं क्या यहाँ से बैठ के आपके कंप्यूटर को कोई रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ? अगर तो फेसबुक वगैरह खुला हुआ है तो शायद उस पर तो फिर भेज सकता हूँ रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट होगी वो, लेकिन वैसे आपके कंप्यूटर को नहीं भेज सकता, ठीक है। क्यों नहीं भेज सकता है? क्योंकि आपके कंप्यूटर में सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर रन नहीं हो रहा। अगर आपके कंप्यूटर में सर्वर रन हो रहा होता तो मैं यहाँ से बैठ के उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता, वो मुझे रिस्पॉन्ड करता, ठीक है। अच्छा, कुछ तासुर आमतौर पर आपको ये भी किसी ना किसी के जहन में ये बात होगी कि सर्वर शायद हार्डवेयर को बोलते हैं, ठीक है, सर्वर हार्डवेयर को नहीं बोलते हैं, सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप कभी कंप्यूटर वगैरह ख़रीदने जाते होंगे तो वो कहता होगा कि यार सर्वर कंप्यूटर ले जाओ ना, ये अच्छा वाला है, ठीक है। तो सर्वर कंप्यूटर वो वाला कैसे फैल गया? वो असल में ऐसे फैल गई बात ये कि शुरू शुरू में जब ये टेक्नोलॉजी आई ना कि अच्छा यार सर्वर्स बना करेंगे और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात हुआ करेगी आपस में,
ठीक है, यानी इंटरनेट नया नया जब आया तो वो लोगों ने अपने, उस वक्त तो क्लाउड वगैरह का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग अपने घर में ही लगाते थे सर्वर, ठीक है, सब लोगों के ऑफिस का सर्वर ऑफिस के अंदर ही होता था, जो एयरपोर्ट का या पुलिस स्टेशन का सर्वर वहीं होता था ऑन साइट। ये तो अब कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं यार अब गूगल का क्लाउड होगा, सब उसी में स्टोर होगा, सब कंप्यूटिंग वहाँ होगी। तो वो एक कंप्यूटर ख़रीद के बोला है, उन्होंने बोला इस कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करेंगे अपना सर्वर, अपना सर्वर उन्होंने उसमें इंस्टॉल कर लिया। अब सब लोगों ने रिक्वेस्ट की, उस सर्वर से बातें करना शुरू की, उस सर्वर में जैसे अगर कोई पुलिस स्टेशन का अगर था सर्वर तो उसमें सारी केस की फाइलें स्टोर हो गई। अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उसमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, फाइल मंगवाते हैं, वो दे देता फाइल। अब उस पर लोड बढ़ा, जाहिर है जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी उतनी ज़्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो एक पॉइंट पे आके ना उसका जो रिसोर्सेज थी उस मशीन के अंदर, जाहिर है रैम प्रोसेसर या हार्ड ड्राइव जो भी रिसोर्सेज उसमें लगी हुई है, वो कम पड़ना शुरू होगी। अब जाहिर है अगर मैं इस कंप्यूटर में अगर सर्वर इंस्टॉल कर दूँ और आप सब इसको रिक्वेस्ट भेजें तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पूरा मोहल्ला इसको रिक्वेस्ट भेजने लगे तब शायद थोड़ा मसला है, और पूरा कराची इसको रिक्वेस्ट भेजने लगे तो वो होगा जो हर वक्त नादरा के सिस्टम के साथ होता रहता है, हर वक्त बैठे ही रहता है। सही है, तो किसी न किसी पॉइंट पे आके वो रिसोर्सेज ओवरफ्लो हो गई उनके, जो लेकर आए थे ना घर में अपने सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। तो उन्होंने बोला हमें अब इससे बड़ी मशीन चाहिए, अब इससे हमें बड़ी मशीन चाहिए, तो बड़ी मशीन लेने गए, फिर और बड़ी मशीन लेने गए। तो कंप्यूटर जो बनाने वाली, हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज थी ना, जो मशीन बनाने वाली कंपनी, उनको पता चल गया कि इनको ना सर्वर के लिए हैवी किस्म की मशीन चाहिए। तो अब उन्होंने जो नई अपने मॉडल बनाना शुरू किए ना, हैवी किस्म की जो मशीनें बनाना शुरू की, उसको मार्केट किया इस नाम से कि ये सर्वर कंप्यूटर है। मतलब ये था उनके बोलने का कि ये ऐसे कंप्यूटर हैं जिसमें सर्वर इंस्टॉल करके आप चलाएंगे तो ये ओके चलेगा, 24 घंटे अगर इस मशीन को चलाएंगे तो कोई मसला नहीं है, गर्म नहीं होती मशीन ये, ठीक है। यही क्वालिटीज़ बताता है ना दुकान वाला कि यार ये तो सर्वर मशीन है 24 घंटे चलने के लिए बनी हुई है। तो अब मैंने उसमें अपना सर्वर इंस्टॉल किया तो जाहिर है मैं तो 24 घंटे उसको ऑन रखूँगा, बंद थोड़ी कर सकता हूँ, वरना सर्वर ऑफलाइन हो जाएगा, फिर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा वो उसको जवाब ही नहीं मिलेगा। तो ये जो नए किस्म के तगड़े किस्म की जो मशीनें तैयार की गई उसको उन्होंने मार्केटिंग की सर्वर सर्वर बोल गई, ठीक है। तो जो कम टेक्निकल लोग थे उनको, जाहिर है उनको तो पीछे की कहानी नहीं पता ना कि सर्वर होता क्या, उनको वही नहीं पता, तो उनको शायद लगने लगा कि ये सर्वर कंप्यूटर इनको कहते हैं। दुकान वाला सेल्समैन है उसको क्या पता, उसने बोला सर्वर कंप्यूटर बेस्ट ले जाओ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बात फैल गई है कि सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, सर्वर होता है सॉफ्टवेयर जो उस कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है, ठीक है। यही वजह है कि एक मशीन के अंदर एक से ज़्यादा सर्वर भी चल सकते हैं, एक मशीन के अंदर जैसे ये मशीन है मेरे सामने, तो इसमें एक से ज़्यादा सर्वर भी बैक वक्त चल सकते हैं, ठीक है। हम अभी ये जो अपना भेजेंगे ना क्लाउड पे, तो वो साइक्लिक पे या रेलवे पे या हरिको पे, ये फ्री प्रोवाइडर्स हैं कुछ जो हम क्लास के दौरान यूज़ करते रहे हैं पहले भी, तो हम उनमें से किसी एक पे भेजेंगे अपना ये सर्वर, तो उस पे जाहिर है सब लोग भेजेंगे, वो सबका चला देगा, मशीन एक ही है उनके पास, लेकिन वो आप सब जो सर्वर भेजेंगे ना उसके बाद वो सब रन कर देगा और फ्री में रन कर देगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक मशीन पे मल्टीपल सर्वर भी चल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक मशीन पे एक ही सर्वर चलेगा। तो सर्वर हमने इससे क्या सीखा कि एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आज हमने उसका हेलो वर्ल्ड बनाना है, हमारे पास अभी है 15 मिनट, इंशाल्लाह 15 मिनट में बन जाएगा हमारा हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब सर्वर को बनाने के लिए मुझे चाहिए एक अदद लाइब्रेरी की, सही है, जिसका नाम है express.js। अच्छा, क्या उस लाइब्रेरी के बगैर मैं सर्वर नहीं बना सकता, कौन देगा इसका जवाब? बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी के नाम से ही जाहिर है। लाइब्रेरी क्या होती है? कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं पहले से जो हम यूज़ करते हैं, तो हमें आसानी होती है। अगर वो लाइब्रेरी हमारे पास नहीं होती तो भी हम सर्वर प्रॉपर पूरा जब भी बना सकते थे, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता, ठीक है। तो हम टाइम बचाते हुए भी आते हैं express.js, एंटर। express.js जैसे ही लिखा मैंने तो आप देखें ये पहला लिंक आ गया मेरे पास express.js.com करके, इसके अंदर चला गया मैं। इसने कहा कि भाई आप ऐसे करके ना क्या करो, इंस्टॉल कर लो पहले तो इस लाइब्रेरी को। कैसे करो? npm install express।
जैसा कि हमने जिक्र किया था पहले कि npm क्या है, नॉट पैकेज मैनेजर, तमाम लाइब्रेरी इधर ही होती हैं, तो इधर से इसको डाउनलोड करने कह रहा है, आ जाते हैं कर लेते हैं। तो मैं अपने फोल्डर में खड़ा होके किस में, वन डॉट हेलो वर्ल्ड सर्वर के फोल्डर में खड़ा होके मैं क्या करूँगा, npm i एक्सप्रेस। अच्छा npm i या npm इंस्टॉल बात एक ही है, ठीक है, मैं पूरा इंस्टॉल लिखूँ तो भी सही है, अगर सिर्फ i लिख दूँ तो भी सही है। तो जैसे ही मैंने ये बात लिखी, आप देखें कुछ नए फोल्डर यहाँ पे बन के अपेयर हो गए। एक तो नॉट मॉड्यूल्स के नाम से एक फोल्डर आ गया जो जिसमें ना ये लाइब्रेरी आके इंस्टॉल हुई है, ठीक है। अच्छा एक पैकेज डॉट जेसन तो था ही, एक पैकेज लॉक डॉट जेसन भी आ गया। ये लॉक डॉट जेसन क्या करता है, इसको हम ज़्यादा खोल के देखेंगे नहीं, लेकिन मैं जस्ट वैसे ही इसके बारे में बता देता हूँ। ये लॉक जेसन ये करता है कि पहले तो पैकेज जेसन में आप जाके देखें ना, डिपेंडेंसीज करके ये एक्सप्रेस यहाँ लिखा हुआ है कि अब इस पैकेज की डिपेंडेंसी है एक्सप्रेस, यानी इस जो मेरा जो पैकेज शुरू में मैंने इनिशिएट किया था वो पैकेज किसको इस्तेमाल कर रहा है, एक दूसरे पैकेज को इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम एक्सप्रेस है, एज अ लाइब्रेरी उसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज में एक तो उसका नाम आ गया, उसका वर्जन भी आ गया कि भाई 4.18.2 ये वर्जन है जो चाहिए होगा या इससे अबव चाहिए होगा, सही है, कैप साइन का मतलब है इससे अबव, ठीक है, ये वर्जन या इससे अबव चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये एक तो लिस्ट आ गया। लॉक जेसन में क्या होता है, डिपेंडेंसीज लॉक हो जाती हैं, ठीक है। लॉक फाइल का बेनिफिट ये होता है कि समटाइम जब हम बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं तो कुछ लाइब्रेरीज आपस में कंपैटिबल नहीं होती, ठीक है, कुछ खास वर्जन के साथ चल नहीं रहा होता, ठीक है। तो हम जिस वर्जन को इंस्टॉल करते हैं वो उसको लॉक कर लेता है, वो जब भी हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे एग्जैक्टली वही वर्जन इंस्टॉल होता है, क्योंकि लाइब्रेरीज कंटिन्यूसली अपडेट होती हैं। तो ये लॉक फाइल से जो है क्या होता है, कुछ इस तरह के मसले मसाइल कम होते हैं, ठीक है। वैसे तो आप जब इन फ्यूचर आप कोड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता चलती चली जाएंगी, लेकिन अभी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अच्छा अब ये जो नॉट मॉड्यूल का फोल्डर है ना, इसको हमने गिटहब में नहीं भेजना है, किसी भी हाल में ये गिटहब में नहीं जाना चाहिए। ऐसी होता है ना, रिएक्ट की ऐप में भी बनता तो था ये, लेकिन हम इसको गिटहब में जाने नहीं देते। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक और एडिशनल फाइल बनानी होगी यहाँ पे, कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के रूट पे, जिसका मैं नाम क्या रखूँगा, डॉट गिट इग्नोर में आके मैं क्या लिखूँगा, इस फोल्डर का नाम लिख दूँगा नॉट मॉड्यूल्स। जैसे ही मैंने नॉट मॉड्यूल का नाम लिखा और सेव किया तो आप देखें यहाँ पे नंबर भी कम हो गए और ये इसका फोल्डर भी ना थोड़ा डिम हो गया, ग्रीन से ये ग्रे हो गया, ठीक है। मतलब इसको पता चल गया कि अब इस फोल्डर को गिटहब में नहीं भेज रहे हैं, सही है। अच्छा इंस्टॉलेशन तो मेरी हो गई, अब इंस्टॉलेशन के बाद अगला क्या काम है, इंस्टॉलेशन के बाद आप देखें यहाँ पे ना गेटिंग स्टार्टेड करके आ रहा है, मैं गेटिंग स्टार्टेड में चला जाता हूँ। गेटिंग स्टार्टेड में इसने बोला कि भाई पहले तो अपना क्या करो, एक फोल्डर बनाओ, फिर उस फोल्डर में npm init चलाओ, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसने बोला npm install express कर लो, यानी express की ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे कहाँ है, अच्छा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो ये कह रहा है कि आप ना ये जो कोड मैं बता रहा हूँ ना, ये आप क्या कर दो, कॉपी करके उधर ले जाके पेस्ट कर दो अपने पास, ठीक है। तो ये मेरा जो सर्वर डॉट एम जे एस में ना, मैंने ये पेस्ट कर दिया मैंने सेव, ठीक है। अच्छा ये जो कोड मैंने पेस्ट किया ना, इसमें एक चीज़ पुराने वाले जावास्क्रिप्ट की है, तो ये कोड रन नहीं होगा, ये कोड क्या नहीं होगा, रन नहीं होगा। मैं इसमें लिखूँगा ना npm start, अब मैं कैसे कमांड रन करता हूँ, npm start से मैं पैकेज को अपने रन करता हूँ। शुरू में मैंने वो सेटिंग कर दी एक दफ़ा, npm start एंटर किया, इसने मुझे एरर कर दिया, ठीक है। इसने मुझे बोला कि require is not defined in es module scope, कह रहा है आप ये जो कर रहे हो ना नई वाली javascript, इसमें ना require काम नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें import का keyword इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। ये मैं इसलिए मैंशन कर रहा हूँ ताकि कभी कल को आप require देखें आपको लगे ये पता नहीं नई वाली तो नहीं है ये रिक्वायर जो है ये पुराना हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको दिखा के रिमूव कर रहा हूँ ताकि कल को ऐसा ना हो कि आप इम्पोर्ट करें, कल को रिक्वायर दिखे आप समझें ये नया है कोई आइटम आ गया, आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायर पुराना हो चुका है।
तो इसको इम्पोर्ट में मैं क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक हो गया। तो ये इम्पोर्ट वाला जो नया वाला सिंटैक्स था मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब इसको दोबारा मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब देखो इस कोड को ना मैंने जो एज इट इज़ उठाया था ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए खास, इसको एज इट इज़ मैं चला रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। अब ये होगा कि अगर मेरे इस कंप्यूटर में, क्योंकि मेरे इस कंप्यूटर में सर्वर का जो सॉफ्टवेयर था वो रन हो चुका है, और कौन से पोर्ट पे लिसनिंग कर रहा है वो 3000 पे, तो अगर मेरे इस कंप्यूटर में कोई रिक्वेस्ट आएगी ना बाहर से पोर्ट 3000 के ज़रिए, तो ये सॉफ्टवेयर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ भी रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन करेगा। अब वो क्या क्या करेगा वो हम देखते हैं थोड़ी देर में, सही है। अच्छा, तो अब ये करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं कि मेरे पास जब रिक्वेस्ट आए ना, मेरे पास जब रिक्वेस्ट आए तो मैं कॉन्सोल पर क्या प्रिंट करवा देता हूँ, उसकी आई पी। मैंने जस्ट एक कॉन्सोल यहाँ पे ऐड किया, दैट्स इट, और कोई ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। और तो अभी पता क्या चला कि जब इस कंप्यूटर पे कोई रिक्वेस्ट आए तो जाहिर है उस रिक्वेस्ट की आईपी तो आती है साथ में, कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है वो यहाँ प्रिंट हो जाए, और उस बंदे को जो रिस्पॉन्स चला जाए वो चला जाए हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास सर्वर को रन कर रहा हूँ, और आप लोग, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि यार जब मेरे पास सर्वर रन होगा तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, तो अब आप लोग मेरे इस कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, मेरी इस कंप्यूटर का आपको आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, मेरे इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको अपना आईपी एड्रेस बता देता हूँ, ये है मेरा आईपी एड्रेस, सही है, ये मेरा आईपी एड्रेस है, और इसमें कॉलन 3000 ऐड कर दिया मैंने, राइट। ये मेरा आईपी एड्रेस था, इस वक्त मेरा आईपी एड्रेस ये मौजूद है इस लोकल नेटवर्क पे, मतलब जिस वाईफाई से मैं इस वक्त कनेक्टेड हूँ इस बिल्डिंग में, और लोकल उस साथ में मैंने पोर्ट लगा दिया 3000, ठीक है, ये डबल कॉलन उसके बाद 3000। शुरू में आप HTTP लगा दें अगर तो सही है, नहीं लगाएंगे तो ब्राउज़र ख़ुद भी लगा देते हैं, ठीक है। अब जितने लोग इस URL को लिखेंगे ना जाके गूगल क्रोम ब्राउज़र में, तो यहाँ पे एक तो IP भी आपकी प्रिंट हो जाएगी कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, और आपको हेलो वर्ल्ड एक जवाब मिलेगा सामने से। हाँ भाई, फील हो रहा है अभी ये? मेरे इस कंप्यूटर में एक हेलो वर्ल्ड सर्वर रन हो चुका है इस वक्त, और ये वेरीफाई भी कर लिया, आपने रिक्वेस्ट भेजी उसको जवाब भी मिल गया आपको, तो ये वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इसको, और मैं बोलता हूँ यार रिस्पॉन्स डॉट सेंड के साथ साथ ना अभी का टाइम भी दे आपको, ये मेरे कंप्यूटर में जो टाइम हो रहा है, तो कंप्यूटर का टाइम कैसे गेट होता है जावास्क्रिप्ट में, न्यू डेट डॉट डू स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी डेट है इस वक्त वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने हेलो वर्ल्ड के साथ लगा के भेज दिया आपको, ठीक है। अब मुझे अपने जब मैं सर्वर में कोई चेंजेस करता हूँ तो मुझे रोक के दोबारा उसको रन करना होता है, अदरवाइज वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो मैं इसको रोक के दोबारा रन करता हूँ। अब आपके पास जो है ना नया वाला रिस्पॉन्स आएगा, हेलो वर्ल्ड तो आएगा लेकिन साथ में मेरे कंप्यूटर में जो टाइम हो रहा है ना इस वक्त वो टाइम भी आपके पास आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में पूरा लंबा सा। मैं यहाँ ज़रा अपने पास से भी करके देखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ एक नए ब्राउज़र में, इस पर ये पेस्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो मुझे ये हेलो वर्ल्ड पहले मिलता था सिर्फ, अब मुझे ये पूरा मिल रहा है, टाइम मिल रहा है साथ में।
अच्छा जस्ट इन केस अगर मुझे मेरे कंप्यूटर की आईपी नहीं पता तो मैं अपना सर्वर कैसे चला कर देखूंगा? मैं इस अगर मुझे मेरा आईपी नहीं पता ना तो मैं इसकी जगह पे लोकल होस्ट लिख सकता हूँ, लोकल होस्ट एंटर, ठीक है सेम चीज़ मुझे मिलेगी। ठीक है लोकल होस्ट क्या होता है, एक प्लेस होल्डर होता है और हमेशा इसके रिप्लेसमेंट में हमेशा मेरी आईपी मौजूद होती है। तो आप अगर सर्वर अपना अपने ही कंप्यूटर में रन किया है आपने किसी भी पोर्ट पर तो आप लिखेंगे लोकल होस्ट और उस पोर्ट का नाम, तो वो सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। नहीं 3000 बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है, यहाँ लिखा 3000 है। हाँ इसकी जगह मैं कोई और लिखूँगा तो उस पोर्ट पे फिर रन होगा ये, लेकिन डेवलपमेंट के लिए आमतौर पे 3000 का पोर्ट यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। एक ही है कोई आईपी जिससे रिक्वेस्ट आ रही है 154 बस। सही है आईपी एड्रेस समझा नहीं, दोबारा बोलो। हाँ तो मेरा ही आईपी एड्रेस शो होगा यहाँ मेरे पास। रुको ज़रा रिक्वेस्ट भेजना स्टॉप करो, अब मैं ज़रा यहाँ से कई रिक्वेस्ट बहुत सारी भेजता हूँ। अगर तुम कह रहे हो कि मुझे क्या दिखेगा, मुझे मेरा ही आईपी दिखेगा वहाँ पे, एम्प्टी दिख रहा है, अब पता नहीं है मेरा वाला है या इनमें से किसी का है। वेल तो खैर अब हम तो ये अभी तो एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूँ मैं कि इस मशीन पे चला के आपसे रिक्वेस्ट लगवा रहा हूँ इस पर, एक्चुअल तो क्या होगा हमें अब अगली क्लास में क्या करना है, अगली क्लास में क्या करना है, ये हेलो वर्ल्ड जो सर्वर का सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है इसको मैंने उठा के भेजना है क्लाउड पर। ठीक है अच्छा क्लाउड पर जैसे ही मैं भेजूँगा ना इसको तो मुझे वो क्लाउड से मिल जाएगा URL, मुझे क्या मिल जाएगा एक URL। सही है वंस ये क्लाउड पे चला जाएगा वहाँ से मुझे URL मिल जाएगा तो फिर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे उस URL पे, मैं भी उस पर रिक्वेस्ट करूँगा URL में और वो सर्वर मुझे क्लाउड में बैठा बैठा वहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा। सही है तो अगला काम हमने ये करना है। ठीक है जस्ट लाइक होस्टिंग जैसे होती है वही चीज़। हाँ इस सॉफ्टवेयर को इस सर्वर के सॉफ्टवेयर को मैं क्लाउड में यानी कि दूर किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज दूँगा जो गूगल ने या AWS ने मुझे किसी ने दिया है कि यार चलो आप ये यूज़ करो। वैसे तो पेड होता है, क्लाउड में कोई भी कंप्यूटर फ्री नहीं होता, पेड होता है, लेकिन डेवलपमेंट पर्पस के लिए आपको थोड़ा बहुत फ्री मिल जाता है तो वो हमने ढूंढ के रखा हुआ है एक दो, उनमें से कोई एक हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अब आपका काम क्या है, आपका काम ये पहले तो इतना कोड आपने लिखना है अभी अगर जाने से पहले लिख लें तो क्या अच्छी बात है। ठीक है और अगर आपसे ये हो सके तो इस सर्वर को क्लाउड पे आप कल पहले से ही डिप्लॉय करके लेकर आ जाओ। ठीक है मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसलिए नहीं है कि मेरे जो इससे पहले कई क्लासेस में ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ तो मेरे आप यूट्यूब में जाएंगे और वो प्लेलिस्ट हैं डिफरेंट, वो किसी ना किसी में आपको मिल जाएगा कि एक्सप्रेस का जो सर्वर है वो क्लाउड में कैसे डिप्लॉय किया जाता है, तो वहाँ से आप जाएँ देखें क्लाउड में कैसे डिप्लॉय होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें हो जाएगा। ठीक है तो आइडियल केस ये हो कि कल सब आप जब लोग आएँ तो आपका सर्वर क्लाउड पर जा चुका हो ताकि हम फिर वो उससे आगे पढ़ना शुरू करें। सही है ठीक है फिर हो गया तुम्हारा क्या हो गया ओके चल रहा है सही है तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है चलो अल्लाह हाफ़िज़।